हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ लोटस फिनिश अप मेकअप फिक्सर। दिस इज़ द मेकअप फिनिशर फिक्सर और मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले परचेज किया था। उसका लोटस मेकअप हॉल भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, ऑयल फ्री है, वेट लेस है, और साथ ही इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 70 ml है। इसकी प्राइस 475 है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है, विच इज़ वेरी गुड। एंड साथ ही ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है और क्रुएल्टी फ्री है, 100% वेगन है और वेजिटेरियन भी है। सो अब हम इसके बारे में बात कर देते हैं कि हाइड्रेटिंग रिफ्रेशिंग मिस्ट विच लॉक्स इन मेकअप कीपिंग इट इन फैक्ट होल डे लॉन्ग विदाउट एनी कलर फेडिंग इट एनर्जाइजिंग द स्किन एंड बूस्ट रेडियंस गिविंग हेल्दी ग्लो विदाउट लीविंग एनी ऑयल रेजिडेंस। जी हाँ, आपके फेस पर ये ऑयल नहीं पनपने देता है और आपके मेकअप को स्टे करके रखता है काफ़ी लॉन्ग टाइम पे। और एनरिच्ड विद इरिश मोस एक्सट्रैक्ट है। आप इसे इसमें लिखा है कि आप इसे 10 इंच दूर रख के इसे स्प्रे करें, बट इसके जो दाने हैं ना, जो स्प्रे वाटर निकलता है उसके दाने जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके मेकअप को बिगाड़ सकता है। तो आप इसे 10 इंच नहीं, आप इसे जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर से इवनली अपने फेस पर स्प्रेड करें। और रही बात इसकी फॉर्मूला की, तो इसकी फॉर्मूला उसका बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस वॉज टू गुड, मतलब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम से, मूड फ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसकी बोल सकते हैं। और साथ ही वेडिंग फंक्शंस के लिए, इवनिंग फंक्शंस के लिए और पार्टीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है, अफोर्डेबल है। अदर मेकअप फिक्सर की बात करी जाए तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर है और इसीलिए इसे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको इसे अप्लाई करके बता देती हूँ। आप इसे इस तरह से आईज़ को क्लोज करके और अप्लाई करके थोड़ी सी देर इसे सेट होने के लिए रहने दें, उसके बाद आप अपनी आईज़ ओपन कर सकते हैं और ये आपके मेकअप को काफ़ी अच्छी देर स्टे करेगा। और अब मैं इसके बारे में एक बात बता देती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगा है, शायद मेरे साथ ही ऐसी रॉन्ग बॉटल आई है या मे बी ऐसा होता है, आई डोंट नो, पर इस तरह से ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से लीक होता है। और आपको मैं बता देती हूँ ये इस तरह से ओपन भी होता है, आप इसे फ्यूचर में किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा लीक होता है। सो आई डोंट नो कि हर बॉटल के साथ ऐसा है, बट जो मुझे जो बॉटल मिली है उसके साथ ऐसा हुआ है। सो इवन बॉटल इसकी जो कैप है उस पर भी इस तरह से यहाँ पर बूंदे बनी हुई हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिस इज़ बेस्ट, बिकॉज जब हम घूमने गए थे कुछ दिन पहले और मैंने इसे अब वहाँ पर भी इस्तेमाल किया था मेकअप पे, और उसने पूरा दिन मेरे मेकअप को स्टे करके रखा, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो इसने स्टे किया ही था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही मैं बता देती हूँ कि ये आपके मेकअप को बिल्कुल पैची नहीं बनाता है, केकी नहीं होने देता है, बहुत अच्छे से लॉन्ग वेयर सेट करके रखता है। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।